जी बिल्कुल, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो डॉक्टर है वो भी कोरोना वायरस से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर रिजवान कुंडी साहब मौजूद है, आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी आप मुझे बताइए कि अब तक कितने डॉक्टर जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए और कितने जो है वो कोरोना वायरस से शहीद हुए हैं और इनके मेन वजूहत क्या है कि ये जो डॉक्टर है वो काफ़ी तादाद में कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन 520 के करीब हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, इसी तरह 8 हमारे शहीद भी हो चुके हैं। अगर मैं पूरे हेल्थ वर्कर्स की बात करूं तो तकरीबन 1300-1400 के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो मेन वजूहत क्या है कि ये डॉक्टर इतनी तादाद में जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोरोना वबा में आवाम ने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया जैसे कि उनको करना चाहिए था। अक्सर अवकात वो सिम्टोमेटिक और पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमसे अपने सिम्टम, अपने अलामत और टेस्ट छुपाते हैं। दूसरी वजह यह है कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से अक्सर हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हो जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीपीएस के पहले दिन से यहाँ पे कमी रही है और अब भी कमी है। हुकूमत को चाहिए कि वो अभी भी उनके पास, क्योंकि बहुत कम डॉक्टर रह चुके हैं, 40% हमारा टीम अमले इन्फेक्ट हो चुका है, कि डॉक्टर्स को पीपीएस प्रोवाइड कर ले, टेस्टिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो डॉक्टरों को जो है हिफाजती किट्स है वो फराम करे, ताकि जो डॉक्टर है जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं वो अपनी हिफाजत भी कर सके और मरीज़ों का इलाज भी बेहतर तौर पर कर सके। जी